टचिंगों में जितने भी सारे फीचर्स है उसके बारे में डिटेल के साथ आपको समझाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आप इन फीचर को कैसे यूज कर सकते हैं। किसी भी दुकान में या किसी भी स्टोर में आप कोई सामान लेते हैं, ट्रांसफर पे आप किसी को भी पैसे जो है वो भेज सकते हो, किसी से पैसे जो है वो रिसीव भी कर सकते हैं। ट्रांसफर जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं वहाँ पे आप पैसे यहाँ से इजिली भेज के बाद जो है माई प्रीपेड यहाँ पे आप अपने मोबाइल पे जिलो कैसे कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट रवैया खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको टच एंड गो के बारे में बताऊंगा। इससे पहले पार्ट में हमने आपको अकाउंट बनाना सिखाया था कि आप टच एंड गो अकाउंट जो है वो कैसे बना सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा टच एंड गो में जितने भी सारे फीचर्स है उसके बारे में डिटेल के साथ आपको समझाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आप इन फीचर को कैसे यूज़ कर सकते हैं। इस पर स्टेप बाई स्टेप हमारी वीडियोज़ आती रहेंगी। पार्ट वन हमने बनाया था, ये पार्ट टू है और इसमें मैं आपको टच एंड गो की जितने भी फीचर्स है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आप लोगों ने मलेशियन लैंग्वेज सीखनी है तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे मैंने बहुत सारी वीडियोज़ डाली है, आप इजिली मलेशियन लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो टाइम वेस्ट के बगैर चले चलते वीडियो की जाते, तो मैं आ गया अपने मोबाइल स्क्रीन पर और यहाँ पर हम जाते हैं टच एंड गो पर। ठीक है, तो जैसे ही टच एंड गो पे हम आ गए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे फीचर टच एंड गो के हैं और इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। इससे पहले अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा तो आप जाके देख लीजिए, उस पर हमने टच एंड गो अकाउंट बनाना सिखाया था। आज इसके बारे में हम जो है वो पूरी डिटेल के साथ आपके सारे फीचर जो है वो आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं स्कैन, स्कैन पर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप अगर किसी भी दुकान में या किसी भी स्टोर में आप कोई सामान लेते हैं तो उसका अगर आप देख सकते हैं वहाँ पर उसका QR कोड जो है वो लगा होता है, तो आप ये स्कैन पे क्लिक करके आप उसका QR कोड जो है वो स्कैन कर सकते हैं और उसको पे कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी नंबर पे जो आते हैं वो आप देख सकते हैं ये ऑप्शन है, मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरे नंबर पे ऑप्शन है ये पे का, तो पे का मतलब ये है अगर आप पे क्लिक करोगे, ठीक है, इस पर आपने क्लिक किया तो अगर आपके पास जो है वो किसी भी स्टोर से कुछ लेते हो या बस टिकट वगैरह ख़रीदते हो तो जो भी आप खरीदते हो और आप उसको पे करना चाहते हो तो आप उसने उसको सीधा अपने ये जो टच एंड गो क्यू आर कोड है उसको अपने जो है वो शो करवाना है और वो उसको स्कैन करके आपसे पैसे काट लेगा। ठीक है, ये होगा दूसरे ऑप्शन। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो ऑप्शन है वो आप देख सकते हैं ट्रांसफ़र का है। ठीक है, तीसरे नंबर पे ऑप्शन है वो ट्रांसफ़र का है, ये आप देख लीजिए, ये ट्रांसफ़र का ऑप्शन है। ट्रांसफ़र पे आप किसी को भी पैसे जो है वो भेज सकते हो, किसी से पैसे जो है वो रिसीव भी कर सकते हो। ट्रांसफ़र पे आप देख सकते हो यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पे आप सबसे पहले आप देख सकते हो ई वॉलेट है, ठीक है, जो आपका अपना वॉलेट है ये आप देख सकते हो ई वॉलेट है। उसके बाद डेबिट नाउ है, उसके बाद और चीज़ है, इस सारे टॉपिक में हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, लेकिन सिर्फ अभी मैं आपको जो है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो फीचर है टच एंड गो के वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ट्रांसफ़र है, ये ट्रांसफ़र है, उसके बाद रिसीव है, किसे रिसीव भी कर सकते हो, भेज भी सकते हो। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन है। इसके बाद ट्रांसफ़र के बाद अगर आप देख सकते हो टच एंड गो TNG कार्ड है तो कार्ड में आप बिल लोड कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, TNG कार्ड पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आप अपना कार्ड ऐड कर सकते हो। जो कार्ड आपके पास जो आप टूल प्लाजा में यूज़ करते हो उसी पर उसका नंबर होता है, सीरियल नंबर, वो कार्ड आप यहाँ से यूज़ करते हो। तो कैसे यूज़ करना है उसके बारे में हम बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला। नीचे अगर हम आते हैं तो नीचे इसमें बहुत सारी ऑप्शन है, आप देख सकते हैं पार्किंग के पे आप जो कर सकते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखो ये पार्किंग है, ये आप इससे पैसे भी कमा सकते हो। ठीक है, वेल सेव, ये आप अपना जो अकाउंट है वो सेव भी कर सकते हो, आपसे एक रिंगट जो है वो कटेगा। उसके बाद रिमिटेंस है, इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ एक वीडियो बनाऊंगा कि आप कैसे अपने आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हो वहाँ पे आप पैसे यहाँ से इजीली भेज सकते हैं। वीज़ा कार्ड जो अप्लाई करते हो आप तो वो कार्ड आप कैसे अप्लाई करोगे उसके बारे में बता सकता हूँ। उसके बाद इंटरनेशनल टॉपअप है तो वो आप कैसे करोगे वो मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद आप इंटरनेशनल मोबाइल पे जो है वो पैसे कैसे भेज सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद जो है माय प्रीपेड, यहाँ पे आप अपने मोबाइल पे जी लोड कैसे कर सकते हो, अपने मोबाइल पे पैकेजेस कैसे कर सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ से जो है वो लाजादा से आप शॉपिंग भी कर सकते हो, यहाँ पे आप जो है वो गेम खेल के पैसे कमा सकते हो। मोर का ऑप्शन है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, वो आप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर आप नीचे अगर देखो तो नीचे आपको ये ऑप्शन दिखाई देंगे, सबसे पहले होम है, फिर ई शॉप, फिर गो फाइनेंस और फिर गो रिवेट। ठीक है, तो होम पे हम इधर है, ई शॉप पे अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पे आप जितने भी जो भी आप जो है वो ख़रीदना चाहते हो या जो भी आप जो है वो पसंद करते हो यहाँ से आप इजीली वो जो है ख़रीद सकते हो। उसके बारे में भी हम अगर इस पर पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है,
तो ये देखो, ये अगर आप देख सकते हैं तो मैं जिसको इजी लोड करता हूँ या जो भी करता हूँ, तो यहाँ से मैंने ये जो पॉइंट है 1420 पॉइंट है वो मैंने जो है वो कमाए हैं। आप कैसे कमा सकते हैं उसके पूरे डिटेल में आपको बताऊंगा। और सबसे जो अहम बात है वो ये कि आप यहाँ पे अपना अकाउंट जो है वो रिफर कैसे कर सकते हो। जिस तरह आप देख सकते हो मेरा अकाउंट जो है वो ब्लू ग्रीन कलर का जो ये साइन है, इसका मतलब है कि मेरा अकाउंट जो है वो वेरीफाइड है। तो आप ये कैसे कर सकते हो उसके बारे में भी जो है वो पूरी डिटेल के साथ वीडियो बनाऊंगा। तो अभी जो मैंने आपको जो है वो बताना था वो ये बताना था कि आज जो टच एंड गो के फीचर थे वो मैंने आपको बताया, इसमें ये फीचर है, अब इसको कैसे यूज़ कर सकते हो उसके बारे में हम पूरे एक एक फीचर को लेकर इसके बारे में डिटेल के साथ वीडियो बनाई जाएगी और आपको समझाया जाएगा कि आप कैसे टच एंड गो के एक एक फीचर को जो है वो यूज़ कर सकते हो। तो अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।